एनएनआई 24 न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। बलिया के छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति न मिलने के विरोध में आज राज्यसभा सांसद को एक ज्ञापन सौंपते हुए छात्रवृत्ति दिलाए जाने की मांग की है। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है और मैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ जमुनाराम महाविद्यालय का जी। अभी आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग आए हुए हैं माननीय राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी को ज्ञापन देने के लिए, पत्र देने के लिए। कैसा ज्ञापन दिए हैं? स्कॉलरशिप को लेकर सर। क्या मांग किए हैं आप लोग? हमारी मांग ये है सर कि जब हमारा कोर्स सारी चीज वेरीफाई हो गई, बैंक से वेरिफिकेशन हो गया, स्कूल से वेरिफिकेशन हो गया, यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन हो गया और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने भी हमारे स्कॉलरशिप को वेरीफाई कर दिया, फिर अचानक से बिना बेवजह का रीजन देकर हमें ब्लॉक कर दिया गया। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन आप देख सकते हैं, बलिया के तमाम कोने कोने के जनपद से आए हुए तमाम बच्चे सभी बीएड के स्टूडेंट है, सभी बीएड विभाग के स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने नीरज शेखर जी से मिला, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नीरज शेखर जी ने कहा है कि उन्होंने समाज कल्याण विभाग जो मंत्री हैं अशीम अरुण जी, माननीय अशीम अरुण जी से उन्होंने वार्ता करने का बात दिया और उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर हम आपको सूचित करेंगे। उन्होंने 7 दिन के भीतर कार्यवाही करने का आश्वासन हमें दिया सभी बच्चों। यदि ऐसा आगे भी आप लोग का कार्य नहीं होता तो आप लोग आगे कदम क्या उठाएंगे? हम सर छात्रवृत्ति हमारा आधार है सर, हम आशा भरी निगाहों से माननीय राज्यसभा सांसद और सबसे बड़ी चीज है सर हम आशा भरी नजरों से माननीय योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहे हैं, हर बच्चा देख रहा है क्योंकि सर हम हायर एजुकेशन वाले, हम बीएड वाले हैं, हमारी पढ़ाई का आधार ही छात्रवृत्ति है। अगर हम छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी सर तो हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी सर। ठीक जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शालू सिंह है। अभी आप कहाँ पे आई हुई हैं? मैं नीरज जी के यहाँ पे आई हूँ ये रिक्वेस्ट लेके कि हमारी स्कॉलरशिप जो है उसको जल्द से जल्द लाया जाए। हमें स्कॉलरशिप को लेकर के 1000 बार दौड़ाया गया है, कभी ये रीजन देकर के कि हमारी 10th की जो मार्कशीट है वो उसका रोल नंबर मैच नहीं करता है, उसका फुल मार्क्स जो है वो नहीं मैच करता है, फिर हमने उसको बार बार करेक्ट कराया, कभी DWO जाके कभी कॉलेज पे जाके 50 बार एप्लीकेशन लिख करके दिए हमने, वहाँ पे बोला गया कि वहाँ विकास भवन से संपर्क कीजिए, हमने वहाँ जाके दौड़ा। इस तपती हुई धूप में हम 1000 दफा आए हुए हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये दूरी तय करना बहुत कठिन है हम लोगों के लिए, बट फिर भी हम आए और हमने अपनी सारी कोशिशें की, हमारी उम्मीद थी कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है, सारी हमारी चीजें वेरीफाइड दिखाई गई थी, लेकिन फिर एट लास्ट हमें ब्लॉक कर दिया गया अजीब और गरीब रीजन दे करके, इस वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या इसकी शिकायत आपने अपने विद्यालय पे नहीं किया? हमने बहुत बार विद्यालय पर जाके किया है और वहाँ पे बोला गया कि आप कभी यूनिवर्सिटी पे जाके बताइए, कभी विकास भवन जाकर के बात। तो आपने कभी यूनिवर्सिटी गया? नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं गए, हम लोग यूनिवर्सिटी जाने वाले थे लेकिन हमने सोचा कि हम यूनिवर्सिटी जाके क्या कर लेंगे, यूनिवर्सिटी के हाथ में कोई है नहीं कुछ जी जी, तो इसलिए हमने नीरज शेखर जी से बात करना ज्यादा उचित समझा। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने हमें बोला है कि हमें आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपकी स्कॉलरशिप की बात को सरकार के सामने लेकर के आएंगे और आशा करते हैं कि ये सारी बातें हमारी जरूरत समझ जाएगी। देखिए, आपको लगता है कि नीरज शेखर जी आप लोग के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, जो इंसान हमारा इतने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है NH 31 बनवा सकते हैं 1 महीने के अंदर, तो हमारी स्कॉलरशिप भी ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।